2020 और 21 के बाद लॉकडाउन खत्म हो चुका है, कोरोना वायरस जा चुका है और इस साल हमने गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और सारे फेस्टिवल दिवाली धूमधाम से सेलिब्रेट किए। तो अब बारी है छठ पूजा की, तो आओ सेलिब्रेट करते हैं छठ पूजा को बहुत ही धूमधाम से। और इसकी पारंपरिक रेसिपी हम बनाते हैं जो कि छठ पूजा में बनाई जाती है, ठेकुआ, जिसे खजूर या टिकरी नाम से भी जाना जाता है। तो वीडियो में बने रहिए और फुल रेसिपी को देखिए। खजूर टिकरी या कॉमन भाषा में जिसे ठेकुआ बोलते हैं, उसको बनाने को हमें लगेगा 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर, 1 चम्मच सौंफ लगेगा, 50 ग्राम सूखे नारियल का बुरादा लगेगा, 2 चम्मच तिल ले लिया है, वैसे तो इसे डाला नहीं जाता, ऑप्शनल है, बट आप डालिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा, आपकी ठेकुआ बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये 50 ग्राम के करीब किशमिश ले लिया है, ये 2 चम्मच हरे पिस्ते का पेस्ट ले लिया, पाउडर कर लिया इसको, ये 2 चम्मच के करीब बादाम का पाउडर ले लिया है, ये 3 से 4 चम्मच काजू का पाउडर ले लिया है, पिसा हुआ शक्कर लगेगा, वैसे तो इसे गुड़ में बनाया जाता है पर चीनी के पाउडर में भी बहुत अच्छा बनता है ठेकुआ। आटा गूंथने के लिए ज़रूरत के हिसाब से दूध ले लेंगे, ये 1/2 किलो गेहूं का आटा ले लिया है। वैसे देखा जाए तो पूरे भारत में आटे से ही ज़्यादा करके घरों में मिठाइयाँ या स्वीट्स बनती है, तो ठेकुआ भी गेहूं के आटे से ही बनता है। और रिफाइंड ऑयल ले लेंगे फ्राई करने के लिए ठेकुए को। जावन के लिए हम घी ले लेंगे लगभग 50 ग्राम के करीब। तो आओ चलो शुरुआत करते हैं ठेकुआ बनाने की रेसिपी को। तो ऐसा एक बड़ा सा थाल या परात ले लेंगे, इसमें सबसे पहले सामग्री हम ऐड करेंगे गेहूं के आटे को। तो ये लगभग 1/2 किलो के करीब गेहूं के आटे को इसमें ऐड कर देंगे और एक एक करके सारी सामग्री अब इसमें हम ऐड करते जाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे काजू का पाउडर, जो काजू को हमने पीस लिया था, बादाम का पाउडर ऐड कर देंगे, पिस्ते का पाउडर ऐड कर देंगे, ये सौंफ को ऐड कर देंगे इसमें, ये जो सफ़ेद वाले तिल है इसको भी ऐड कर देंगे, इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे, ये मनुका ऐड कर देंगे, ये सूखे नारियल का बुरादा भी ऐड कर देंगे और आखिर में इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। और इन सबको अच्छे से घी डालकर पहले गूंथ लेंगे, फिर इसको दूध डाल की सहायता से एक टाइट डो बनाना है, हमें बहुत ही कड़क गूंथना है इसे। तो घी को भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको गूंथ लेंगे पहले मसल मसल कर। तो घी को अच्छे से मिला लिया है और आपको पता चलेगा जब आप ऐसा करोगे तो ये देखो सख्त हो जाएगा। तो अब हम इसको दूध की सहायता से एक टाइट डो में इसको गूंथ लेंगे। इसे ऐसे टाइट ही गूंथना है कम दूध में, क्योंकि हमें इसे खस्ता बिस्किट की तरह बनाना है, तो इसमें ज्यादा वसा की मात्रा नहीं होनी चाहिए लिक्विड, और ये फिर लंबे समय तक टिकते हैं, तो आप इसे लंबे समय तक खाया जा सकता है। तो आटे को ऐसे ठेकुए के सख्त गूंथ लिया है, देखो एकदम सख्त है, और इसकी अब छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो ऐसे लोई बनाकर मैंने टिक्की के साइज में बना लिया है। बाजारों में तो ठेकुआ बनाने का साँचा मिलता है, पर आपके पास साँचा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बिना साँचे के भी डिजाइन आप कैसे बना सकते हैं ठेकुए पर। तो तेल गर्म होने को लग दिया, चूल्हा जला लिया है और तेल को गर्म होने देते हैं तेज आंच पर, और ठेकुए को हमें फिर मध्यम आंच पर फ्राई करना ताकि वो अच्छे से अंदर से भी पक जाए। तो अब देखो बिना साँचे के भी हम कैसे ठेकुआ बनाते हैं। ऐसे लोइयों को बेल लेंगे ऐसे लगभग 1/2 सेंटीमीटर मोटाई के, और फिर इसको एक कांटे की सहायता से ऐसे इस पर डिजाइन बनाएंगे चारों तरफ से। देखो कितने अच्छे डिजाइन बन जाते हैं इसे। तो आपकी हाथ की कला के ऊपर है कि आप कैसे डिजाइन बना पाते हो। तो अब हम ऐसे सारे डिजाइनें बना लेंगे, फिर इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। देखो डिजाइन बनाने के लिए एक और आसान तरीका, ऐसे लोई को इस पर रखकर ऐसे प्रेस कर देंगे और देखो उठा लेंगे, देखो कितनी अच्छी डिजाइन बन चुकी है। तो अब तेल का गर्म होने का इंतजार करते हैं और इनको फ्राई करते हैं। तो तेल अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है और आज को मैंने मीडियम कर लिया है। अब एक एक करके इसमें ठेकुए को ऐड करेंगे और अच्छे से
इसको पकाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। छठ पूजे का पर्व है और घरों में ये मिठाई कॉमनली बनाई जाती है। छठ पूजा खास करके बिहार, झारखंड, यूपी, नेपाल, ओडिशा, इन भागों में मनाया जाता है। और ये छठी मैया और सूर्य देव का उपासना होती है, पूजा होती है, जो कि रिश्ते में छठी मैया और सूर्य देव भाई बहन लगते हैं। तो माताएं, औरतें, बहनें इनकी पूजा करती है कि उनके घर के लोगों की लंबी आयु हो और उनके घर में खुशहाली हो। तो अभी हमारे ठेकुआ फ्राई होते हुए देखो कितना अच्छा डिज़ाइन बन चुका है बिना सांचे का। इसको मध्यम आंच पर अच्छे से फ्राई करना ताकि हमारे ठेकुआ एकदम खस्ता हो जाए, करारे, और अंदर से पूरा पक जाए। मस्त खुशबू आ रही है। आप लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा क्योंकि आप लोग जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी लाजवाब, लज्जतदार, मज़ेदार ठेकुआ बनाए हैं हमने, खस्ता एकदम। तो ऐसे में सब ठेकुए को छान लूँगा। इसमें समय लगता है मीडियम आंच पर फ्राई करना, तो आप लोगों को मैं सर्व करके दिखाता हूँ बाद में। तो सारे ठेकुआ को फ्राई करके मैंने ऐसे एक बॉल में सर्व कर दिया है। अब ये लंबे समय तक खाए जा सकते हैं। तो इस छठ पूजा के पर्व पर आप छठी मैया और सूर्य देव को इसका भोग लगाएं और अपनी फैमिली की खुशहाली की मनोकामनाएं पूरी करवाएं। और मेरे साथ अगले वीडियो तक बने रहें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लिंक को शेयर करें, और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।